अब किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए, चलिए जानते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और अति भोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले बलशाली भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी तथा इंद्रियों का निर्देशन करने वाले। साथ ही इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके भाई को यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता थी तो धन को प्राप्त कराने में अर्जुन ने ही उनकी सहायता की। भीम को प्रकोदर कहा गया है। प्रकोदर मतलब बड़े उदर वाले, बड़े पेट वाले। पांडवों के साथ तो सब कुछ था, लेकिन विपक्ष में कौरवों के पास क्या था? न भगवान कृष्ण थे, न भाग्य की लक्ष्मी श्री थी। जब ये दोनों ही नहीं है तो विजय कैसे हो सकती? अतः युद्ध में उनकी पराजय निश्चित थी और शंखों की ध्वनि भी यही संदेश दे रही थी। राधे राधे।